ठीक है, सो गेम ये कि आपने ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने। मुझे मिलेगा क्या? चेक से ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। चेक के लिए इसमें क्या लेके जाना चाहती हैं बताएं, क्या क्या है आप लोगों के पास? सबसे पहले तो मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ, उसके अलावा आप बताएं। चलें छोड़ें, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मना इनकार कर दिया यशमा ने, इसको भी चला देना। यशमा गिल ने हसन चौधरी को साथ ले जाने से इनकार कर दिया। नहीं मतलब फिर बेचारे शो वाले क्या करेंगे, देखिए मैं उनका सोच रही हूं, मैं कितनी बड़ा दिल है मेरा। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा 1 2 3 स्टार्ट। नेम 3 आसिम अजहर सॉन्ग्स। 1 2 3 मुझे गाने आते हैं, मुझे एक वो अगला सवाल, लड़कों लड़के शादी ना गाने गा सकती हूँ उनके, मुझे नाम नहीं आते, मतलब मुझे गाने पता है। लड़के शादी ना करने के लिए क्या 3 एक्सक्यूजेस देते हैं? 1 मेरी चाची की बेटी से मेरी ऑलरेडी बचपन में बात पकी हुई थी, अभी मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है। ये वाला लगता है आप कर चुके हैं, ये चीजें गिर रही हैं यहाँ पे। ओके गेम ही रुक गई, गेम ही रुक गई, हमारा बाइकर गिर गया यार, बेचारा जख्मी हो गया, सॉरी बाइकर। अच्छा उसने बोला मैं गिरा हुआ हूँ। ये भी बहुत गिरा हुआ है, चले ठीक है ओके। उसका भी कैरेक्टर गिरा हुआ है। अच्छा, ए से शुरू होने वाली इंडस्ट्री के 3 एक्ट्रेसेस के नाम। आसिम अजहर। 1 एक्ट्रेसेस। 1 एक्ट्रेसेस। 2 3 आयशा, थैंक यू जिसने भी बोला। 4 आयशा। अब अमर। अमर। 5 बस हो गया, मुझे कौन सा कुछ मिल रहा है जो मैं इतना दिमाग लगा रही हूँ। नींबू भी डाल सकते हैं ना ऊपर। चले ठीक है, दिया आपको। इंडस्ट्री के वो 3 एक्टर्स जिनकी 1 से ज्यादा बार शादी हो चुकी है। 1 आप पर्सनल मामला मुझसे क्यों? ओ भाई पब्लिक नॉलेज है, इसमें क्या बात है? 1 हुमैमा मलिक। 2 उन्हीं के एक्स हस्बैंड। 3 4 5 बस इतना ही पता है। ओके अम्मी की 3 मकसद। अगर ये मेरी हलक में फंस गया तो हम क्या करेंगे? पीछे से होता ना वो ऐसे करके, चले जब कुछ चोक कर होता, खुदा ना खासा ऐसा कुछ हो। चले अम्मी के 3 मखसूस जुमले जो हर बेटी को सुनने पड़ते हैं। 1 इतनी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हारी भी तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। ठीक है इतनी 3 दूसरे घर जाके मेरा नाम खराब करवाओगी। 4 और बाप की ही तुम तो बाप की सगी हो। ठीक है 5 मेकअप की 3 चीजें जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं। 1 चैपस्टिक। 2 कॉम्पैक्ट। 3 एंड लिप टिंट। रात को सोने से पहले किए जाने वाले 3 काम। 1 क्या हुआ यशमा? इस सवाल पे आपने चूक किया। रेड वाले में कोई मसला है? अच्छा रेड वाले में मसला ये है। नहीं उठा जा रहा। रात को सोने से पहले किए जाने वाली 3 चीजें। आप नमाज पढ़ें इशा की, ठीक है आप सही लाइन पे गई हैं। स्किन केयर रूटीन करें अपनी। 3 और आप 3 ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी होता है, 3 सुबह से लेकर रात तक जो अच्छी चीजें हुई है वो याद करके सोएं। ठीक है वेरी गुड। सुबह उठने के बाद किए जाने वाले 3 काम। 1 टूथब्रश करें प्लीज। 2 पानी पिएं। 3 और बाथरूम रिचुअल्स। ठीक है और आखिरी सवाल, ये रेड वाली क्यों नहीं उठ रही, मुझे गुस्सा आ रहा है। 3 डिफरेंट तरह के जानवरों की आवाजें। 1 मुझे तो कान नहीं है। 2 म्याऊ। 3 भाऊ। 4 लेकिन अगर मैं आपके ग्लासेस को देखूं, इसमें आपने मुझे नहीं पता कि कोई ज्यादा चीजें होनी चाहिए। कुछ नहीं आप एक तो ग्लास में आपने कुछ किया भी नहीं, आपने सॉर्ट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आप ये गेम हार चुकी हैं। मैं बताना चाहता हूँ अगर आप जीतती जी तो हम आपको एक टीवी आज गिफ्ट करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये गेम हार गई हैं, इसलिए अनफॉर्चुनेटली आज ये टीवी घर पे नहीं। टीवी में यही चलता सिर्फ द टॉक शो ही लिखा हुआ था। नहीं आप जो मर्जी चलाती वो चलता मैं, लेकिन बताना चाहूंगा जो हमारे आने वाले गेस्ट हैं हर बार गिफ्ट चेंज हो जाएगा, हर बार फॉर्मेट गेम का चेंज हो जाएगा, तो ये ना हो अगली बार आप आए हमारे शो में और आप गेम जीते और आप बोलेंगे हमारा टीवी खाएं।
तो ठीक है, ये हर गेस्ट के लिए एक स्पेसिफिक गिफ्ट है। बहरहाल अब वक्त हुआ चाहता है एक और ब्रेक का, और मैं चाहूंगा यशमा से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ब्रेक वो लें क्योंकि उन्हें ब्रेक से बहुत प्यार है। जी हाँ यशमा, मैं एक 10 सेकंड की सिर्फ ब्रेक लेना चाहती हूँ क्योंकि इससे ज्यादा नहीं हम ले सकते, फिर मुझे नींद आ जाती है। और प्लीज पानी पिलवा दें क्योंकि आपने जो है ना ये करवा करवा के ना खासी होगी। मैं आपका काम अगर आपसे अच्छा कर लूंगी तो लोग मुझे हायर कर लेंगे यार, फिर आपका क्या होगा, आपके चेक का क्या होगा। तो यशमा आज के शो का मुझे इतना मजा आया ना, आप यू सच अ फन पर्सन, यू गॉट सच, जो आपने वाइब का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, इतनी अच्छी वाइब है आपकी, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ, यकीन जानिए। थैंक यू। थोड़ा सा वक्त रह गया, मैं चाहता हूँ कि हम हल्ले गुल्ले में ये वक्त भी गुजारें। हमारा जो अगला सेगमेंट है इसका नाम है अंदर की बात। ये सेगमेंट मैंने इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है, आप जो है ना यार सुने तो सही, आप मजे ले रहे हैं, आपको मजा आ नहीं रहा, मजे मैं मजे देने के लिए भी तैयार हूँ, मेरी बात सुन ले बस। अंदर की बात है, एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हमने बहुत बेसिक सवाल रखे है ताकि हम हमारे जो गेस्ट हैं उनके बारे में मजीद जान सकें। जैसे कि आप लास्ट कॉफी डेट पे या कॉफी हैंग आउट पे किसके साथ गई और कब गई? आई एम कैफीन इनटॉलरेंट। यूर कैफीन इनटॉलरेंट, अच्छा ठीक है, सही है, ठीक। इंडस्ट्री में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? हानिया। हानिया आमिर, ठीक है। आज आपने किसी को अपनी सेल्फी खींच के भेजी? आज हाँ, मेरे पापा मुझसे रोज बोलते हैं तो आपने भेजी, हाँ सेल्फी खींच के भेजो, क्यूट। लास्ट टाइम आप कब रोई हैं? लास्ट टाइम मैं कब रोई? परसों। आप बताना चाहेंगी क्यों? I was actually 2 days ago. I was supposed to catch a flight to London, and this is really weird actually. उसका कोई context है खैर, but किसी वजह से I काफी time से मुझे लग रहा है कि मेरे काम में जो है वो रुकावटें आ रही हैं. There's a few things that I found out as well. So I was like, मैं सात समंदर पार कर रही हूँ, I'll be good, और मैं जा रही हूँ, and you know, I was texting my friends airport से बैठ के, हम लोगों का एक ग्रुप है, मैंने कहा finally मैं जा रही हूँ यार, हो गया, बोर्डिंग हो गई, सब हो गया। I even got to meet वसीम बदामी, because उन्होंने ना वो किसी और कोई और फ्लाइट ले रहे थे, तो मैं अपने लाउंज में बैठने की जगह, उनकी फ़्लाइट मुझसे एक घंटा पहले जा रही थी, मैं अपने लाउंज में बैठने की जगह मैं उनसे पहले मिलने चले गई, तो फिर मैं गेट के पास ही बैठ गई ना, मैंने उधर आधा घंटा वेट भी किया, 20 मिनट रहते थे मेरी फ़्लाइट को, एंड आई गॉट अ कॉल जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थी, कोई एमरजेंसी ऐसी हुई कि आई हैड टू मिस दैट फ्लाइट, एंड आई वाज लाइक कुछ सिवियर किस्म के लगता है कोई मसाइल हुए हुए वो प्रोफेशनल समंदर पार भी नहीं किया जा रहा, वो एक प्रोफेशनल काम था, एंड देन यू हैड टू कुछ पर्सनल एमरजेंसी थी, बट वो बिल्कुल ही मतलब ऐसी नहीं जो लंदन में आप कर रहे हैं, लंदन में प्रोफेशनल काम था, या एंड अनफॉर्चूनेटली देन आई कुडंट गो, सो देन आई रियली क्राइड अ लॉट। नाउ कैन यू गो? या वो I don't know. I'm gonna try again. यार लंदन वाले आप जो भी हैं यार, प्लीज यार ऐसे ना करें यार, मैं आज आपके बिहाफ पे सबसे बात करूंगा यशमा। तो मैंने ऑफलोड किया, आप सोचे मैंने प्लेन से ऑफलोड किया यार, आपका प्लेन रुका, मेरे पासपोर्ट के ऊपर वो कैंसिल का वो आया, वो यहाँ पे जो लगा के देते हैं प्रोमो साइन करवाया, तो बट आई होप एवरीथिंग इज फाइन ना। या चलो अल्लाह का शुक्र।